हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नया जो ट्रांसफर रूल है, जब से कफाला सिस्टम हटा है, नया लेबर लॉ इम्प्लीमेंट हुआ है ट्रांसफर लेने का, तब से लोगों में काफ़ी एक्साइटमेंट है कि मैं दूसरी कंपनी में ट्रांसफर लूँ, और इसको लेके काफ़ी क्वेश्चंस हैं जिसका सही आंसर अभी तक बहुत से लोगों को नहीं मिल पाया। तो आइए इस वीडियो में उसी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोगों तक मैं शेयर करता हूँ। दोस्तों, इससे पहले लगभग मैंने सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स से रिलेटेड सारे जो डाउट्स थे आप लोगों की, लगभग मैंने वो दूर कर दिया। अगर आप मेरी वीडियोस को देखोगे, आपका लगभग सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। अगर अभी भी कुछ है, आप लोग कमेंट करके मुझे बोल सकते हो, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँगा। अब हम बात करेंगे नया जो ट्रांसफ़र रूल है, इसको कवर करेंगे। किस तरह से आप ट्रांसफ़र ले सकते हो एक कंपनी से दूसरे कंपनी में, क्या इसका प्रोसेस है, किस तरह से आपको तैयारी करना चाहिए, ये सारा कुछ अब मैं कवर करूंगा। क्योंकि मुझे लगता है जो भी लोग यहाँ पे हैं, जो जॉब कर रहे हैं, तीन चीज़ें उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक, सऊदी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स में जो रजिस्ट्रेशन है वो और एग्ज़ाम जो होने वाला है ये क्लियर करना। दूसरा, जो ट्रांसफ़र का रूल है ये सबको कंप्लीट तरीके से जानना, अच्छे से इस पर गाइडलाइन मिले किसी का, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और तीसरा, जो लोग छुट्टी में जाके फंसे हुए अपने होम कंट्री में आ नहीं पा रहे, उनको सही गाइडलाइन मिले जिस तरीके से वो यहाँ आ सके। तो ये तीन चीज़ का वीडियो जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है आप लोगों के लिए। अब से मैं कवर करूँगा किस तरह से आपको ट्रांसफ़र लेने की तैयारी करनी है, क्या इसका प्रोसेस है, क्योंकि ये बहुत बड़ा कानून था जो काफ़ी लंबे टाइम से चलता हुआ आ रहा था, और इस पर चेंजेस होने के बाद बहुत सारे क्वेश्चंस हैं लोगों की, बहुत सारे FAQs हैं इसकी, जिसका सही आंसर मिल पाना अभी बाकी है। तो एक ही वीडियो में मैं सब कुछ तो बता नहीं सकता, बट मेन चीज़ को मैं सेपरेट वीडियो बना के कवर करूँगा। तो आइए आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरह से आपको पहले तैयारी करनी चाहिए ट्रांसफ़र लेने से पहले। बहुत लोग क्या करते हैं, मुझे ट्रांसफ़र लेना है, ये मेंटालिटी रखते हैं। नहीं, आपको पहले उसकी तैयारी करनी चाहिए, कैसे आपको ट्रांसफ़र लेना है, उसका जो कंप्लीट रूल है उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना चाहिए। तो सबसे पहले आसान काम आप ये करिए, कीवा में आप अपना रजिस्ट्रेशन करिए। कीवा जो पोर्टल है इनका, उस पोर्टल पर आप अपना रजिस्ट्रेशन करिए। मैं आपको बताता हूँ रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप अपना रिज्यूम, बायोडेटा, आपका जो भी वर्क एक्सपीरियंस है, जो भी आपका स्किल्स है, सब कुछ इस पोर्टल में अपलोड करिए। क्योंकि ये कीवा ही एक ऐसा पोर्टल है जो आपको ट्रांसफ़र दिलाएगी। ये काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए, क्योंकि इस पोर्टल को मॉनिटर कर रही है सऊदी गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट की नज़र है इसमें, साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ जो लेबर है उनका भी नज़र रहता है इसमें। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है अगर आप कीवा पोर्टल में अपना प्रोफाइल बनाते हो तो। कीवा पोर्टल के अंदर देखने में तो लगता नहीं कि बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बड़ा है, बट इसके अंदर बहुत बेनिफिट आपको मिलने वाला है, बहुत सारा चीज़ है इसमें जिसका आपको यूटिलाइज करना चाहिए, लाभ लेना चाहिए। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया। ये दोस्तों, मैं आप लोगों को बताता हूँ कीवा पोर्टल में किस तरह से आप अपना अकाउंट बना सकते हो। आपको सर्च करना है कीवा, ये देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक मुझे ऑप्शन दे दिया कीवा कैसे। अब यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करना है। जो भी लोग अपना अकाउंट बनाने जा रहे हैं, पहले कुछ चीज़ें आप तैयार रखिए, जैसे आपका मेल ID, इकामा नंबर, इकामा एक्सपायर कब होने वाला वो, और सऊदी का नंबर, ठीक है। ये पे साइन इन का ऑप्शन है, साइन इन तो डायरेक्ट कर नहीं सकता हूँ मैं, क्योंकि उसके लिए पहले ID बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए साइन अप पे क्लिक करके ID बनाएंगे हम, ठीक है। मेरा बन चुका है, मैं अपना फ्रेंड का बनाता हूँ। यहाँ पे उनका इकामा नंबर डालूंगा, ये इनका इकामा नंबर है। एक्सपायरी डेट यहाँ पे इकामा का डालना है, तो 7/10/43 है इनका एक्सपायरी डेट इकामा का। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे एक OTP आएगा, वो नंबर पे जो नंबर अक्षर में इनका रजिस्टर्ड है, ठीक है। 6 डिजिट का OTP आएगा, वो मुझे एंटर करना है। यहाँ पे अभी तक OTP आया नहीं है,
अब ओटीपी आ चुका है, ओटीपी है 888 588 577। अब नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक किया ये ऑप्शन आया। अब इनका जीमेल आईडी डालना है, यहाँ पे जीमेल या फिर कोई भी मेल आईडी है वो यहाँ पे इंटर करना है। पासवर्ड आपको अपने हिसाब से रखना है, तो कोई भी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेलेक्ट कर लेना है आपको। मैं इनका पासवर्ड सेट कर रहा हूँ, देखिए ये ग्रीन पे आ रहा, मतलब पासवर्ड सही है, स्ट्रॉन्ग है। अब फिर से वही पासवर्ड को आपको कंफर्म करना है, फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे इनका मोबाइल नंबर डालना है, जो नंबर इनका है, तो ये 5717379924 ये इनका नंबर है। अब एक ओटीपी चाहिए होगा कंफर्मेशन के लिए, तो यहाँ पे हम सेंड पे क्लिक करेंगे तभी ये ओटीपी आएगा। आ गया है ओटीपी। अब वो ओटीपी यहाँ पे इंटर करना है, 9337 ये ओटीपी आ गया। अब यहाँ पे हम क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देंगे। पहले जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करके क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है, ठीक है। ये ओटीपी 2 मिनट के अंदर, 120 सेकंड के अंदर डालना होता है, अगर ज़्यादा टाइम लगेगा तो एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्रिएट अकाउंट पे कर दिए क्लिक, अब अकाउंट इनका बन जाएगा। देखिए यहाँ पे आ गया यू सक्सेसफुली। अब इनका जो किवा का प्रोफाइल है वो आपको मैं दिखाता हूँ पोर्टल पे। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट सेटिंग करना होता है, जैसे आपका प्रोफाइल का सारा अपडेट वहाँ पे देना होता है, इससे पहले का वर्क एक्सपीरियंस, फिर आपका जो क्वालिफिकेशन डिटेल्स है वो सब कुछ आप लोग अपलोड करके रखो, उससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है आगे चल के। तो देखिए इनका जो है प्रोफाइल बन गया किवा में। अब यहाँ पे ऑप्शन दे दिया है इंडिविजुअल अकाउंट एमडी मोबिन, यहाँ पे क्लिक करके लॉगिन करना है। देख सकते हैं ये किवा का इनका पोर्टल है। अगर रीवेरिफिकेशन करना है तो यहाँ से क्लिक करके ओटीपी लेके मेल आईडी को भी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट सेटिंग होता है ना, वो उसके लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आप अपना प्रोफाइल को अच्छे से एडिट कर सकोगे, अपडेट कर सकोगे। तो उम्मीद करूंगा किस तरह से बनाना है किवा पोर्टल में अपना प्रोफाइल, ये आपको समझ में आ गया होगा इस वीडियो में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।